नवारा टाइम्स मध्य प्रदेश देख रहे हैं और मैं जयप्रकाश हूँ। मेरे साथ इस समय जो है वो शबनम हैं। शबनम जो है महाराष्ट्र से निकली हैं, अयोध्या जा रही हैं पैदल यात्रा करते हुए, छतरपुर की सीमा में हैं, बात कर रहे हैं। शबनम कितने दिन पहले निकली थी, अयोध्या पहुँच रही हैं, कितनी कठिनाइयाँ आ रही हैं? सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। मेरा नाम है शबनम शेख, मैं मुंबई से अयोध्या पैदल यात्रा कर रही हूँ राम जी के दर्शन के लिए। और आज मुझे टोटल हो चुके हैं 28 दिन और मुझे कोई भी कठिनाई नहीं आ रही है रास्ते में। पहले थोड़ा डर लग रहा था कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन बोलते ना राम जी की कृपा है, हम निकले थे 3 जन, आज पूरा भारत हमारे साथ है। कहीं ना कहीं जिस जिस गाँव से गुजर रही हूँ, जिस जिस शहर से गुजर रही हूँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार सम्मान मिल रहा है मुझे। एक सवाल है आपसे कि कुछ दिनों पहले ये बात निकलकर सामने आई थी कि शायद आप पर फतवा जारी किया गया है, तो आपको कब पता चला कि फतवा जारी हुआ है और उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे मीडिया हाउसेस के थ्रू पता चला था। हमें इतना टाइम नहीं होता है कि फालतू मौलानाओं के वीडियोस हम देखें, क्योंकि हमें यात्रा में भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो मीडिया वालों ने बताया था कि कुछ मौलानाओं ने आपके लिए कुछ बोला है, अभद्र चीज़ बोली है, तो आप उस पर क्या बोलना चाहोगी? तो मैंने यही बोला कि भाई ऐसे लोगों को हम इग्नोर ही करते हैं, बाकी फतवा रही तो देश संविधान से चलता है, उनके फतवा से नहीं चलता है। भारत एक क्या सेक्युलर कंट्री है ना, कि कोई इस्लामिक कंट्री है कि यहाँ पर उनके फतवे का कोई मायने होगा? इस्लामिक कंट्री तो है नहीं, तो बस इसी वजह से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो किसी प्रकार का कोई डर है, जिस तरह से फतवा जारी हुआ है, मौलाना वीडियोस बना रहे हैं आप पर, कोई डर है कोई ऐसा कुछ? देखिए, वो सिर्फ एक लड़की के चरित्र पे सवाल उठा सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट क्लोथ्स को लेकर। एक लड़की को रेप थ्रेट दे सकते हैं, डेथ थ्रेट दे सकते हैं, उसके अलावा उनकी कोई औकात नहीं है। और रही बात डर की, तो भाई प्रशासन साथ में है, पुलिस साथ में है, सरकार साथ में है, तो मुझे किसी का डर नहीं है। एक सवाल है आपसे कि परिवार में कौन कौन है आपके, और भगवान राम में जो आस्था है आपकी वो कब से हुई, आपको कब लगा कि आपको अयोध्या जो है पैदल जाना चाहिए? देखिए, मेरे परिवार में मेरी मम्मी है, डैडी है, दो भाई है, मुझे मिला दो सिस्टर, हम 6 लोग हैं। और रही बात राम जी के दर्शन के लिए, तो देखिए वो आस्था ना बचपन से, कहीं ना कहीं हिंदू मेजोरिटी एरिया में मैं रही हूँ, उनका प्रभाव बहुत पड़ा है मुझ पे। अजान से पहले मैंने भजन सुना है बचपन से, ये चीज़ें मैंने देखी है। गणेश चतुर्थी में पार्टिसिपेट किया, नवरात्रि में पार्टिसिपेट किया, दही हांडी जो होती है कृष्ण जन्माष्टमी उसमें हमने पार्टिसिपेट किया, हर चीज़ में हम अपना योगदान देते हैं जितना होता है, तो ये चीज़ें बचपन से है मेरे अंदर। तो अब यात्रा में पहुँच 22 तारीख को जो है वो अयोध्या पहुँच संभवतः पहुँच जाएंगी, परिवार वालों से बात हो रही है, परिवार के लोगों में किस तरह की स्थिति है, किस तरह का माहौल है वहाँ पर आपको लेकर? परिवार वालों में तो बहुत खुशी का माहौल है, मम्मी थोड़ा चिंतित रहती है कि भाई इतनी दूर पैदल जा रही हूँ, वो देखते हैं ना कि मेरे आगे पीछे बहुत सारे लोग मेल रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा चिंता होती है। बाकी डैडी तो फुल सपोर्ट करते हैं, डैडी तो इतना मोटिवेट करते हैं कि क्या ही बोलूँ। अच्छा, आप अभी सिर्फ 21 साल की हैं, शायद फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हैं, तो इतना लंबी यात्रा के लिए दम पर आपने तय की है, तो क्या लगता है किसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहा है आपको? पापा का, मम्मी का भी रहा, लेकिन मम्मी थोड़ी इमोशनल है, वो थोड़ा डरती है ज़्यादा, लेकिन मेरे जो पापा है वो बिंदास है लाइक मेरी तरह, तो उनका बहुत समर्थन है, भाई का भी बहुत समर्थन है, सिस्टर का भी है। कब तक पहुंच जाएंगी अयोध्या? पता नहीं, पहुंचना तो मुझे 22 तारीख तक है, लेकिन नहीं पहुंच पाऊंगी, क्योंकि रास्ते में लोगों का प्यार जो सम्मान सत्कार मिल रहा है वो हम लेते हुए अयोध्या जा रहे हैं। सब लोग हमें कहते हैं कि भाई हम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन आप जा रही है तो राम जी को हमारी तरफ से राम राम कहना, तो वो कहीं ना कहीं सबका जो ब्लेसिंग्स है, सबका जो राम राम है, वो हम राम जी तक पहुंचाना चाहते अच्छा, हैं। कितनी तारीख से आपकी जो यात्रा है वो शुरू हुई थी? हमने 21 दिसंबर 2023 से स्टार्ट किया है और आज हमारा 28वां दिन है। 28वां दिन, ठीक है। तो ये शबनम है, लगभग 28 आज 28 दिन को हो गया है, महाराष्ट्र से निकली थी, अयोध्या पहुंच रही थी, पहुंच रही हैं, इस समय छतरपुर में है। navbharattimes.com की टीम से इन्होंने बात की है और उनका कहना है कि जिस तरह से मौलाना जो या जो उनके धर्म के अन्य लोग हैं जो फतवा जारी कर रहे हैं, इससे उन्हें किसी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। छतरपुर से navbharattimes.com के लिए जयप्रकाश।